अपने मोबाइल की डायलर बैकग्राउंड में कैसे आप अपना फोटो लगा सकते हैं, किसी का भी फोटो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई भी वीडियो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है, कोई भी देखेगा चौंक जाएगा और आपसे ज़रूर पूछेगा भाई कैसे किया। सबसे आसान तरीके से मैं आपको इसको सेट करके दिखाऊंगा। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स से शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि किसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, वो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। सिंपली आपको प्ले स्टोर पर आ जाना है और यहाँ पर लिखना है माई फोटो फोन डायलर। इसको लिख के सर्च करेंगे तो देखेंगे ये वाला एक एप्लीकेशन आ गया है। इस एप्लीकेशन का कौन सी कंपनी का एप्लीकेशन है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, रेटिंग भी आप देख सकते हैं और यहाँ पे 6.8 MB का साइज़ है। तो इसको हम यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद इसको हम ओपन करेंगे और देखेंगे इसमें आपको क्या सेटिंग करना है। हालांकि सेटिंग मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको क्लिक करके इसको परमिशन देना है, ठीक है। जैसे ही ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, तो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड एंड यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर से इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे यहाँ पे चेंज डिफ़ॉल्ट ऐप, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, पहले से अगर कोई डायलर है तो आपका वो डायलर आ जाएगा, और आपका ये डायलर है जो अभी अभी मैंने इंस्टॉल किया है तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद सेट एज डिफ़ॉल्ट पे सेट करेंगे। सेट एज डिफ़ॉल्ट पे सेट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे परमिशन का ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रीड कॉल लॉग का परमिशन आपको देना है, कॉन्टैक्ट का परमिशन देना है, यहाँ पे फ़ोन स्टेटस का परमिशन आपको देना, और नोटिफिकेशन। देखिए परमिशन देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे तो परमिशन ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो जैसे कि मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखेंगे ऑटोमेटिकली परमिशन यहाँ पे ये ले लेगा, और यहाँ पे कलर फोन ये जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे लोडिंग चला है, और यहाँ पे एड्स वगैरह आ सकता है क्योंकि मेरा नेटवर्क यहाँ पे डाटा ऑन है इसीलिए आ रहा है। तो इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, अभी देखेंगे ऐसा सेटिंग आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। ऐसे सेटिंग अगर नहीं आता है तो आपको क्या करना है वो भी दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे डायलर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ से आपको चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो मैं इसको मैं बैक कर देता हूँ, यहाँ से मैं पूरा का पूरा हटा देता हूँ। अभी देखेंगे तो ये वाला एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल किया, ठीक है। तो इसको हम डायलर के पास लाएंगे, यहाँ पे सिंपली हम ला चुके हैं यहाँ पे। तो इसके ऊपर हम जैसे टैप करेंगे तो देखेंगे हमारा डायलर का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो यहाँ पे फेवरेट हिस्ट्री आ रहा है, रिसेंट हिस्ट्री, वो सभी देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन और ऊपर यहाँ पे डॉट का ऑप्शन आपको बोल रहा है, मतलब इसमें क्लिक करने के लिए बोल रहा है आपको, या अगर बैकग्राउंड में आपको फोटो को लगाना है तो ऊपर यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद सेटिंग का ऑप्शन, सेटिंग का ऑप्शन में क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे ऐसा ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा जैसे पहले आ रहा था। तो यहाँ से आपको ये सेटिंग करना है, और यहाँ पे अगर यहाँ पे एड्स आ जाता है तो एड्स को आपको यहाँ पे स्किप करना है, तो ऊपर मैं स्किप कर देता हूँ। और अभी देखेंगे यहाँ पे डायलर का ऑप्शन, और इसके अलावा आपके सारे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप कॉल पोस्टर का ऑप्शन, अलर्ट, आरजीबी कीबोर्ड भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, एनिमेशन, फ्लैश अलर्ट, ये ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे कॉल ब्लॉक का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम डायलर के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, तो डायलर के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन और यहाँ पे थीम का ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो यहाँ पे आप देख सकते हैं फास्टेस्ट, यहाँ पे लेस कर सकते हैं, इसको आप छोटा बड़ा कम कर सकते हैं। तो हम बैकग्राउंड में फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सिंपली बैकग्राउंड के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। बैकग्राउंड के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो कंपनी की तरफ से कुछ फ़ोटो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ डॉगीज़, यहाँ पे कैट का फोटो आ रहा है, इसके अलावा और भी सारे फोटो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने हिसाब से अपनी गैलरी से फोटो लगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उससे पहले बता दूँ यहाँ पे आप वीडियो भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, तो वीडियो भी आप अपने यहाँ पे डायलर में लगा सकते हैं। इसके बाद लाइव का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम इमेज यहाँ पे लगाना चाहते हैं अपने गैलरी से, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसके ऊपर हम सिंपली टैप करेंगे तो आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अलाउ कर देना है तो गैलरी में जो भी फोटो है वो सभी आ जाएगा। तो हम ये वाला फोटो को यहाँ पे गैलरी में लगाना चाहते हैं, इसके यहाँ पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे आपको बोल रहा है, नीचे देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉप एंड अप्लाई, तो मतलब ये बोल रहा है कि आपको इसको क्रॉप करना है, उसके बाद अप्लाई करना है। तो क्रॉप करेंगे कैसे, यहाँ पे दो उंगली से इसको पकड़ के ऐसे आपको इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अपने हिसाब से इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो मैंने अभी इसको ऐसे एडजस्ट कर लिया। यहाँ पे नीचे क्रॉप एंड अप्लाई ऑप्शन में क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ये जो है आपका अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे एड्स आ गया, एड्स को मैं यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे अप्लाई हो गया है, अभी देख सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे टोटली क्रॉस कर देता हूँ और अपने डायलर में जाता हूँ, जो भी ये डायलर है।
तो अभी देखेंगे आपका जो डायलर में ये फोटो यहाँ पे लग गया है, आप देख सकते हैं ये फोटो हमारा लग गया है जो मेरा फेवरेट में आ गया है। और यहाँ पे स्लाइड करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो रिसेंट कॉल है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्लाइड करेंगे तो आप देखेंगे आपका कॉन्टैक्ट यहाँ पे सभी आ जाएगा। अभी डायलर में क्लिक करेंगे, यहाँ पे डायलर का ऑप्शन, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपका फोटो यहाँ पे लग चुका है। यहाँ से आप डायल कर सकते हैं, मतलब बहुत ही आसानी से आप अपने फ़ोन के डायलर में किसी का भी फोटो वीडियो बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। मतलब कोई भी देखेगा चौंक जाएगा और आपसे ज़रूर पूछेगा भाई कैसे किया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करेंगे, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि किसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स वॉचिंग।